हत्याकांड को पूरा देश याद कर रहा है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव हर जिले के अंदर आज रोजगार सृजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा अभियान लिया है। और आज मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारी पूरी कैबिनेट को, हमारे दोनों कैबिनेट के मंत्री यहां पर अभी थे, कमल जी और तुलसी सिलावट जी, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख से ऊपर युवाओं को रोजगार का सृजन मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज के दिन रोजगार मेलों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जो स्वामी विवेकानंद ने उस समय जब इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि चारों तरफ से इस देश की संस्कृति पर, इस देश के सत्व पर आक्रमण करने का प्रयास जब हुआ था, तब इस देश का एक ऐसा युवा सन्यासी, एक नौजवान सन्यासी जो दुनिया के देशों में जाने की बात तो छोड़ दो, लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस समय स्वामी विवेकानंद ने जब यह प्रयास किया कि शिकागो के अंदर धर्म सभा में मुझे जाने की अनुमति मिले, और हम सब लोग जानते हैं कि 11 सितंबर को शिकागो का जब वक्तव्य धर्म सभा उस समय थी, पूरे दुनिया के उपस्थित थे, स्वामी विवेकानंद ने वहां पर यहां से व्यवस्था करने के बाद एक प्राध्यापक ने जब उनको वहां पर भेजा, और भेजने के बाद स्वामी विवेकानंद शिकागो के अंदर पहुंच गए, लेकिन उस धर्म सभा में कैसे जाएंगे ये भी जब व्यवस्था नहीं थी, तो किसी के सामने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें क्या है, मैं आपको धर्म सभा के वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। लेकिन मित्रों, हम सब लोगों को आज के दिन एक ऐसे युवा सन्यासी को जो भगवा देश के अंदर शिकागो के अंदर जाकर के जब वो पहुंचते हैं और उनको ये वहां के व्यक्ति ने प्रयास होता है कि भाई ये एक नौजवान युवा सन्यासी भारत से आया है, ये कुछ अपनी बात कहना चाहता है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, धर्म सभा में अंत में इनको एक 2 मिनट बोलने का अवसर दे दिया जाए। तो मित्रों, आज मैं इस अवसर पर 12 जनवरी युवा दिवस, जो इस दुनिया के, इस देश के युवाओं के प्रेरणा के स्रोत, करोड़ों करोड़ युवाओं ने उनके आदर्शों के आधार पर इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर काम करने का प्रयास किया है, तो स्वामी विवेकानंद को जब बोलने के लिए 11 सितंबर को धर्म सभा में अंत में जब बोलने का अवसर दिया गया, और उन्होंने शुरुआती दौर में जिन 2 शब्दों का उल्लेख किया, आज उन शब्दों को उनके जन्म दिवस के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर हमको याद करने की जरूरत है कि भारतीय संस्कृति की ताकत कितनी है। स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया के उन धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के अंदर इस धर्म सभा में मेरे बहनों और भाइयों, जब ये 2 शब्द केवल उपयोग किए, पूरी दुनिया के लोग जो एकत्रित थे 10 मिनट तक शिकागो के धर्म सभा में, उस सभागार के अंदर लोग केवल तालियां बजाते रहे कि स्वामी विवेकानंद ने संबोधन किया कि इस दुनिया के आज इस धर्म सभा में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों। अब ये तो कोई नहीं कर सकता है, कोई भी किसी वक्तव्य के अंदर संबोधन में भाई और बहनों या बहनों भाइयों कह सकता है, लेकिन एक ऐसे युवा सन्यासी जो भारतीय संस्कृति का द्योतक, जिसने अपने जीवन के अंदर भारतीय संस्कृति को स्वीकारोक्ति के साथ उसके लिए अपने जीवन के अंदर जिया है, जब उसके मुखाकर से वो शब्द निकलते हैं कि लोग बाकी अंग्रेजी में संबोधन करते थे, तो अंग्रेजी में संबोधन करते समय पहले उन्होंने सिस्टर और ब्रदर्स कहा, तो हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हम लोग ये कहते हैं कि प्रथम पूज्य हमारी देवी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर उनको प्रथम पूज्य मान करके जो संबोधन स्वामी विवेकानंद करते हैं, तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद को
इस बात के लिए एप्रिसिएशन देने का काम करती है। और स्वामी विवेकानंद जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो जब वो खत्म करते हैं तो वहां के दुनिया भर के लोग जहां पर बोलने का अवसर नहीं मिलता, जहां पर जिस व्यक्ति को अंदर घुसने का अवसर नहीं था, स्वामी विवेकानंद जब अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, लोग जो आवाज उठाते हैं स्वामी विवेकानंद को भाषण देने के लिए, लोग कहते हैं कि नहीं आपको तो अभी और बोलना है। ये भारतीय संस्कृति की ताकत है, ये हिंदुत्व की, हिंदू धर्म के अंदर उस जिसको हम जीवन पद्धति के तौर पर मानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति का परचम 11 सितंबर को एक इतनी सी कम उम्र के नौजवान साथी ने, जो हमारे नौजवान युवा सन्यासी ने, इस दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति का परचम फहराया। और शिकागो का वक्तव्य हम सब जानते हैं, धर्म सभा लगातार फिर चलती रही, स्वामी विवेकानंद को लोग सुनते रहे। स्वामी विवेकानंद को लोगों ने कहा एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी कहां पर आप हैं, अरे आप तो अब इस अमेरिका के अंदर ही आपको रहना है, आप कहां जा रहे हैं। और किसी ने कहा उनको दो बातों का मैं उल्लेख आज के इस युवा दिवस के अवसर पर जरूर करना चाहता हूं। लोग स्वामी विवेकानंद को इस धर्म सभा के बाद अपने घरों में लोगों ने सम्मान और सब प्रारंभ कर दिया। स्वामी विवेकानंद पूरे अमेरिका के अंदर घूम रहे थे तो उस समय जिनके घर में रुके उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप कहां चक्कर में हैं, ये इस प्रकार का चोला पहन करके, ये भगवा वस्त्र, अरे आप तो आइए, आपके लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे और आपके ये जो परिवेश है इसको बदल करके अमेरिकन परिवेश के अंदर हम आपको क्या चाहिए, हम सब लोग मिलकर के देंगे और आप इस देश के अंदर आप यहां रहिए, आपके सम्मान के साथ हम सब आपके साथ काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप इन वस्त्रों से, आप इस परिवेश के आधार पर इस दुनिया के अंदर पहचाने जाते होंगे, लेकिन भारत के अंदर व्यक्ति कपड़े पहन करके उसकी पहचान नहीं होती। कोई टेलर किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को नहीं बना सकता, मेरी संस्कृति और मेरा धर्म और मेरा कर्म जो है वो मुझे संस्कृति के तौर पर दुनिया के अंदर मेरी पहचान दिलाता है, तो टेलर मुझे कपड़े पहन करके विवेकानंद नहीं बना सकता, मेरी संस्कृति ने, मेरे धर्म ने मुझे विवेकानंद बना करके खड़ा किया है। और उनको वो जवाब दे देते हैं, पूरे उस दौरान, अभियान के दौरान लोग उनसे इतने प्रभावित होते हैं कि अमेरिका की एक बहन उनसे प्रभावित होकर के कहती है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। मैं देश के नौजवानों को स्वामी विवेकानंद के इस धर्म दिवस के अवसर पर, युवा दिवस पर इस बात का विशेष उल्लेख कर चाहता हूं, क्योंकि प्रसंग है। तब वो बहन कहती है अमेरिकन कि मैं आपके जैसा इस प्रकार की प्रतिभा का धनी बेटा हो मेरे मन की एक कल्पना है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो स्वामी विवेकानंद क्या जवाब देते हैं, ये आज के भारत के नौजवानों को, दुनिया के नौजवानों को, क्या भारत की संस्कृति कितनी प्रगाढ़ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बहन आपको मेरे जैसा अगर पुत्र चाहिए तो उनके चरण स्पर्श करते हुए स्वामी जी कहते हैं मैं ही आपका पुत्र बनकर के खड़ा हो जाता हूं, उनका चरण छूते हैं और कहते हैं कि मैं आपका आज से पुत्र बनकर के काम करता हूं। ये भारतीय संस्कृति है और इसलिए देश के नौजवानों ने भी, दुनिया के नौजवानों ने स्वामी विवेकानंद को अपना अपना आदर्श मान करके उनके उस आधार पर इस देश के अंदर काम किया है। जब अमेरिका से लौटने के बाद जब समुद्र में उतरने के बाद लोग कहते हैं, हमारा इतिहास कहता है कि स्वामी विवेकानंद भारत भूमि के अंदर लेट गए जमीन पर, जमीन से आलिंगन करने लगे, उन्होंने कहा कि मैं कितने दिनों से मात्र उससे बिछड़ा था। ये देशभक्ति का भाव स्वामी विवेकानंद ने इस देश के नौजवानों को, इस देश के नागरिकों को, पूरी दुनिया के नौजवानों को देने का काम किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद के युवा दिवस के अवसर पर आज हम
इस चित्र पर यहाँ पर उनकी मूर्ति का लोकार्पण करके हम सब नौजवान साथी इस देश के अंदर भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए, जो सभी भारत के नौजवान स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, जिन बातों का उल्लेख स्वामी विवेकानंद ने किया था, जिन बातों का उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था अंत्योदय के विचार को, आज मित्रों में गर्व है कि उस समय एक विचार के तौर पर जो धर्म सभा से लेकर जो स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का विस्तरण करते हुए एक नए भारत के निर्माण की बात की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे नौजवान चाहिए जो इस देश के लिए काम करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर के काम करें। तो मित्रों, आज हमें इस बात का गर्व होता है कि जिन बातों का उल्लेख स्वामी विवेकानंद ने किया, जो कल्पना स्वामी विवेकानंद की भारत के नए निर्माण की थी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार की कल्पना इस देश के अंदर थी, जो पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक इतिहास में एक आदर्श के तौर पर विचार बना, मित्रों आज हमें गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय के नरेंद्र ने कल्पना की स्वामी विवेकानंद के तौर पर, आज के नरेंद्र जो इस देश के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उन बातों को जमीन पर उतारने का काम, नए भारत का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश के स्वस्थ और स्वाभिमान की बात हो, या फिर हम कहें कि गरीबों के जीवन के कल्याण की बात हो, तो मित्रों आज मैं गर्व से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से, एक अध्यक्ष होने के नाते से, किस प्रकार से देश के अंदर नौजवानों से लेकर के 130 करोड़ जनता के सामने उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आदर्श जीवन के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है, तो इस देश के नए भारत के निर्माण में नौजवानों को कैसे इस देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाने में आज के नौजवानों की भूमिका चाहिए। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं, कोरोना का महामारी का संकट पूरी दुनिया के अंदर आया, दुनिया प्रभावित हुई, भारत भी प्रभावित हुआ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आजादी के इतिहास के बाद कभी आजादी में ऐसा नहीं हुआ जो मौन कि भारत में कभी इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार के लोग, तो हम दुनिया के देशों की तरफ देख करके तय करते थे कि हमको वैक्सीनेशन बनेगा, कोई तय करेगा, दुनिया के वैज्ञानिक बनाएंगे, फिर भारत को भेजेंगे, हम भीख का कटोरा लेकर के खड़े हो जाते थे। लेकिन ये जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे, नरेंद्र उस समय के नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जो कहते थे कि अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अपने भारत के स्वप्न के आधार पर आगे बढ़ना है, तो नरेंद्र मोदी आज के प्रधानमंत्री तय करते हैं कि वैक्सीनेशन के अभियान में वैज्ञानिक नौजवान साथियों खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, भारत का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है। हमें गर्व जब होता है कि भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार जब वैक्सीनेशन की बात होती है तो दुनिया के तो तैयार करते हैं, उससे पहले भारत के हमारे युवा वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करके भारत के 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन बना करके, जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने दिया, तो उसको साकार करने का काम अपने स्वत्व पर अपने वैज्ञानिक वैक्सीन बना करके तो तैयार करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार दुनिया के देशों को मेडिसिन उपलब्ध करा करके, दुनिया के देशों को वैक्सीन देकर भारत के प्रधानमंत्री, सबसे पहला फोकस है, वो फोकस हमारा रोजगार पर, रोजगार 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 और रोजगार। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं, जो न सिर्फ रोजगार का सृजन कर रही हैं, बल्कि युवा उद्यमियों को रोजगार प्रदाता भी बना रही हैं। कोरोना काल में दुकान बंद हो चुकी थी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या रोजगार करें। मुख्यमंत्री जी की जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना आई, उसके दौरान हमें जो 10,000 की राशि मिली गई थी, उससे हमारी दुकान अच्छी तरह चल रही है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन हुई थी 2-3 महीने, उससे क्या है सबका व्यापार बिजनेस
ठप्प हो गया था, मतलब धंधा बंद हो गया था, फिर डबल